हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. माई सेल्फ रेनु धामा फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल. वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट, जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, जिसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, converting an improper fraction into mixed fraction, and fifth one is converting a mixed fraction into an improper fraction. ये सारी चीजें पढ़ेंगे. इससे पहले आपको पता है what is fraction? Equal parts of a whole are called fraction. ये definition मैंने आपको बताई भी थी. किसी भी एक पूरी चीज के अगर आप बराबर equal parts करते हैं तो हर part उसका एक fraction कहलाता है. Now we come to types of fraction. अब हम आ गए हैं types of fraction के बारे में. फ्रैक्शन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन है प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन आप नोट भी कर लीजिए इनको. ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर is less than its denominator is called proper fraction. Proper fraction. Example देख लीजिए इसके, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. अपर पार्ट जो है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले पार्ट से. तो इसमें आपके आ जाते हैं एग्जांपल 2/3 और आपका कौन सा हो जाएगा 5/7, या नीचे कोई भी बड़ा नंबर और ऊपर छोटा होल नंबर. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. अब 1/8 ले लीजिए एक्सेट्रा. ठीक है, these are called proper fraction. Understand? A fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. आप इसको mix में convert नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या छोटी है. तो जिसमें भी अगर ऊपर वाला numerator छोटा हो, denominator बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, proper fraction. अब इसका just opposite क्या हो जाता है, improper fraction. What is improper fraction? इसको फटाफट note कर लीजिए. A fraction whose numerator is greater than or equal to, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, equal to its denominator is called improper fraction. Improper fraction. Example हो गया इसके. अब आप देखिए क्या बताया इसमें, a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called improper fraction. जिसमें आपकी न्यूमरेटर यानी कि अपर पार्ट जो इसमें ये था, जो इसमें छोटा था, इसमें या तो उसके इक्वल हो डिनोमिनेटर के या उसके बड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे आपका 11/3 हो गया या 12/5 और यू कैन से एंड 3/3, दोनों बराबर है, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, आगे समझ में, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉपर को नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है. हमने दोनों तरीके से आपको एग्जाम्पल करके दिखाया. नोट डाउन दिस डेफिनेशन आल्सो इन योर फेयर कॉपी, आल्सो इन प्रैक्टिस कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इन प्रैक्टिस कॉपी, देन इन फेयर कॉपी, वेरी नीट एंड क्लीन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए
प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन. सो यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. दिख रहा है आपको अच्छे से, इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. एग्जाम्पल इसके लिए लेंगे हम टू होल वन अपॉन थ्री, फाइव होल थ्री अपॉन सेवन एक्सेट्रा, कुछ भी दे सकते हैं एक चीज, बस इतने ही दो ही बहुत हैं. अब आपको ये सारे समझाएंगे भी. ये आपके मिक्स फ्रैक्शन, देखो ये कैसा है आपका होल नंबर और ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ये क्या है आपका होल नंबर फाइव एंड दिस वन थ्री अपॉन सेवन क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. सो मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन, एक संयोग किस किस का, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. ये आपको यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल. अब आप पढ़ेंगे कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप इसमें कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे. ये दो पार्ट, अब इनको पहले आप डेफिनेशन नोट कीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फटाफट नोट कीजिए सुंदर राइटिंग में. हो गई होगी आपकी, वैसे ही बुक में भी दी हुई है आपको डेफिनेशन, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रहे तो आप बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज यहां से नोट कर लीजिए और समझ में आ गया होगा आपको. अब आते हैं आप इसके फोर्थ पॉइंट पर. फोर्थ पॉइंट जो आप इस चैप्टर के लिए सीखना चाहेंगे वो क्या है आपका, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करना. सपोज आपका फर्स्ट वो दिया हुआ था टू होल वन अपॉन थ्री, ये दिया हुआ था, ये क्या था आप, ये तो मिक्स फ्रैक्शन था. अब इस ये वाला आपका थर्ड हो जाएगा. अब इसका मिक्स फ्रैक्शन का देखिए. पहले सपोज आपको दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेवन अपॉन थ्री, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और किस में कन्वर्ट करना है मिक्स में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है. कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रफ अगर यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका न्यूमरेटर है विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर राइट एज डिवाइडेंड, एंड डिनोमिनेटर विच इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर राइट एज डिवाइजर, और इससे इसको डिवाइड कीजिए. थ्री का टेबल सेवन में पढ़ेंगे, थ्री टू जा सिक्स, रिमाइंडर कितना बचा आपका वन, ठीक है. Now you write this as mixed fraction. कैसे लिखेंगे, your quotient is a whole part of the mixed fraction. Quotient क्या बन जाएगा इसका whole part, और remainder क्या बन जाएगा इसका numerator, और denominator as it is divisor अपनी जगह रहेगा, ठीक है. This is called mixed fraction. आया कुछ समझ में, और आप इसको direct भी कर सकते हैं. थ्री का table सेवन में पढ़िए, जितने जाता है उसे यहाँ लिखिए, फिर उसमें से जो सब्ट्रैक्ट कीजिए सेवन जो फॉर न्यूमरेटर में से उसे सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये अपनी जगह रहेगा, ठीक है. ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 अपॉन 4, ठीक है, ये लिया हमने एग्जांपल. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक तो ये मैंने जैसे बताया फोर का टेबल 15 में पड़ी है, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फाइव जा 20, ज्यादा हो जाता है तो कितना गया इसमें 4, 3 जा 12, 3 जा गया तो 3 यहाँ लिखा आपने, और बचा कितना 12 से आगे 15 तक आप काउंट करेंगे इस तरीके से 13, 14, 15, कितने बचे आपके 3, राइट हेयर 3 अगेन और 4 अपनी प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है. अगर आप इसको डिवाइड से शो करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट 4 एज डिवाइजर, डिनोमिनेटर डिवाइजर, और डिवाइडेंड कितना हो गया आपका 15, एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन 4, 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना बचा आपका 3, तो ये 3 आपका होल पार्ट जो है ये बन जाएगा क्वेशन होल पार्ट, और
फोर अपनी जगह रहेगा एज ए डिनोमिनेटर और थ्री जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाए आपका न्यूमरेटर, ठीक है। ये बन जाता है आपका, यहाँ लिख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बन गया आपका न्यूमरेटर, ये होल पार्ट, ठीक है, और ये क्या है आपका डिवाइड डिनोमिनेटर। अब आ गया समझ में, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आप इसके कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कन्वर्टिंग ए मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उससे मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसके लिए इसी को ले लेते हैं, सपोज करो इसके यही दोनों पार्ट ले लिए पहले हमने, और ये आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और आपको ये किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड होल पार्ट। डिनोमिनेटर और होल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू, और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। दिस सॉल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका एज इट इज जैसे के जैसा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन अपॉन थ्री, इज दैट क्लियर। नाउ सेम हेयर, अब आप इसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद होल पार्ट, एड द न्यूमरेटर एंड राइट सेम एज डिनोमिनेटर फोर। नाउ सॉल्व दिस विच यू ऑब्टेन इज योर न्यूमरेटर, फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन अपॉन फोर, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आ गया समझ में अच्छे से सबको, इसी तरीके से आपको ये दोनों सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 6.4 पर आ जाइए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 6.4 पर आ जाते हैं आप और इसके क्वेश्चंस देखिए, टेक आउट योर बुक। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, इसके कुछ पार्ट मैं कराऊंगी, बाकी सारे आपको खुद करने होंगे। फटाफट बुक निकाल लीजिए आप अपनी एंड लुक एट द बुक। एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस आउट द प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इसमें मैं एक लाइन आपकी बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें गिवन क्या दिया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा उसको क्या करना है, सर्कल, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको क्या करना है, क्रॉस। किस तरीके से आप अपनी कॉपी में करेंगे, यहाँ पर मैं एक बता देती हूँ। फर्स्ट लाइन इसकी टू लाइन्स इसमें गिवन है, टू अपॉन थ्री, फाइव अपॉन थ्री, सेवन अपॉन थ्री, सेवन अपॉन नाइन, इलेवन अपॉन थ्री, एंड नेक्स्ट फाइव अपॉन टू, थ्री अपॉन फोर, थर्टीन अपॉन थ्री, नाइन अपॉन फाइव, ठीक है, और 41 अपॉन 32। इतने ही बहुत है, इतने से आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं इतने ही पार्ट करा रही, बाकी सारे आप खुद करेंगे। अब आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर की फ्रैक्शन की पहचान क्या बताई थी, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला बड़ा, वो कैसे होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, उनको क्या करना है आपको, क्रॉस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी नीचे वाली छोटी, या फिर दोनों इक्वल होंगे, वो कैसे होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें दो ही तरह के फ्रैक्शन है, या तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट आपको सिर्फ ये देखना न्यूमरेटर छोटा है इससे, यस, तो दिस वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करना है। दिस इन दिस ऊपर न्यूमरेटर कैसा है आपका, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या हुआ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या करना है इसको, सर्कल। इसमें कैसा है ये, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर से, तो कैसा हुआ ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हेयर ऊपर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, आप इसको मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्रॉस कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट करेंगे, ये कैसा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सर्कल में करेंगे। दिस वन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इधर देखिए ये कैसा है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्रॉस करेंगे। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है आपका, डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो छोटा है न्यूमरेटर, सॉरी हाँ सही है, ये न्यूमरेटर पार्ट जो है आपका छोटा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ दिस वन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को सर्किल करना है, और यहाँ पर 41 अपॉन 32 क्या हो गया, ये ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो इनको सर्किल करना है।
आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आपके इसके जितने भी पार्ट्स दिए हैं उसमें आपको सर्किल या क्रॉस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू योर फर्स्ट क्वेश्चन नीटली, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर प्रैक्टिस कॉपी। बुक में कलर, बुक में नहीं करना है आपको, कोई बच्चा बुक गंदी नहीं करेगा, आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे उतार कर, या फिर उसके बाद आफ्टर दिस फेयर कॉपी में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू मिक्स फ्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कुछ सम्स आपको दिए हैं, दो तीन मैं करा देती हूँ आपको। ए है आपका 17/9, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद देख लीजिए आप इसका डी कितना गिवन है, 32/5, इसको भी मिक्स में कन्वर्ट करना है। एक और देख लीजिए आप, 19/2 देख लीजिए, ये आपका लास्ट है इसका जे पार्ट 19/2। तीन पार्ट में आप इसको करा दे रही हूँ। ये क्या है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था डिवाइड वाला मेथड, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कहाँ लिखेंगे आपका एज ए डिवाइजर, और न्यूमरेटर एज ए डिवाइडेंड यहाँ, और डिवाइड कीजिए। 9 का टेबल 9 1 9 9 2 18 ज्यादा जाता है तो इसमें 1 जा जाएगा, 9 1 9। सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, 17 में से 9 गए आपका 8। तो अब आपको पता है ये क्या है आपका क्वेश्चन, क्या बन जाता है आपका होल पार्ट, क्या हो गया ये होल पार्ट, होल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। दिस वन इज, ये क्या बच जाता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर बच जाएगा आपका, बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, और ये 9 अपनी जगह रहेगा एज ए डिवाइड, ये जो आपका डिवाइजर है ये अपनी जगह रहेगा एज ए डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/8/9, दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, क्या है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, सेम वे आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं सारा नहीं लिखूंगी, सिर्फ छोटा सा बताऊंगी, 32 कहाँ आ जाएगा एज ए डिवाइडेंड, और 5 कहाँ आएगा एज ए डिवाइजर। 5 6 30 होता है, आपको सबको मालूम है 5 का टेबल सबको आता है, 5 6 30, सबट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा आपका 2। तो अब आप बताइए कहाँ आएगा, 6 क्या होगा आपका होल पार्ट, और 2 क्या होगा आपका न्यूमरेटर, और 5 एज इट इज आपका डिनोमिनेटर बना रहेगा, ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से 19/2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का टेबल 19 में पढ़िए, 2 9 18, बचा कितना आपका 18 से आगे 19 तक काउंट कीजिए, 1 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। हो गया, बिना डिवाइड करे भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर डिवाइड शो करके दिखा देंगे और अच्छा है। अब आपको समझ में आ गया इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, 2 पार्ट जितने पार्ट मैंने कराए इनको नोट कर लीजिए, ताकि आप बाद में आराम से इसी तरीके से अदर पार्ट्स बैठ के कर सकें, ठीक है। ओके, नोट कीजिए फटाफट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, सेकंड भी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है और आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने हैं। ये आपको किस में गिवन है, मिक्स में। और किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में। ठीक है, कैसे करेंगे आप यहां देखिए। अब मैं इसके भी कुछ पार्ट आपको बता देती हूँ। फर्स्ट चलो ए ही ले लेते हैं आपका, 4 whole 1/3, देन सी ले लेते हैं आपका 7 whole 1/2, और उसके बाद ले लिया मैंने ई पार्ट इसका 8 whole 1/4। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर की होल पार्ट्स में मल्टीप्लाई, 3 multiply 4, और उसमें क्या ऐड करना है, न्यूमरेटर उसमें ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर सेम एज नीचे रख दीजिए आपने, 3 नीचे रखा। नाउ मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कीजिए, जो आपका यहाँ ऑब्टेन होगा वो न्यूमरेटर कहलाएगा, 3 4 12 और 1 13/3, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम वे आप इसको करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 7 की,
और प्लस करेंगे इसमें 1/2, ठीक है। देन यू राइट योर आंसर, 2 7 14 14 में 1 ऐड किया कितना हो गया 15 15/2, दिस इज योर राइट आंसर। नाउ सेम या 4 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की डिनोमिनेटर और होल पार्ट की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर ऐड और आपका डिनोमिनेटर सेम एज इट इज लिखा जाएगा 4, और ये हो गया 4 8 32 1 33/4, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ ये नोट कर लीजिए, अब इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट डाउन फास्ट। नाउ कम टू योर फोर्थ क्वेश्चन विच इज योर लास्ट वन, राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द पिक्चर्स एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप अपनी बुक में देखिए, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, पिक्चर्स दी हुई है, इनको आपको देखकर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में आपको देखो कितने एप्पल्स गिवन है, 1 2 3 4, 4 एप्पल्स हैं, बट 3 एप्पल्स आर होल, 3 जो है पूरे हैं, और वो जो फोर्थ वन है वो कितना है आपका हाफ, हाफ को किसे, ये पूरे एक एप्पल के कितने हिस्से, 2 पार्ट्स किए गए और 2 में से एक है। तो अब आप होल पार्ट को कैसे लिखोगे, इस तरीके से 3 तो होल हो गए आपके, और ये जो है टोटल एक एप्पल के कितने पार्ट किए गए, 2, और 2 में से कितना हिस्सा है ये 1, तो इस तरीके से आप इसको मिक्स में लिख सकते हो, 3 पार्ट्स आपके 1 2 3 3 होल पार्ट्स हो गए, और ऐसे ऐसे अगर एक एप्पल के पार्ट्स किए जाए, बीच में से कट किया जाए, तो 2 पार्ट्स होंगे और 2 में से ये कितना है 1, तो दिस वन इज कॉल्ड 3 होल 1/2। अब इसको इम्प्रॉपर में करना है, इम्प्रॉपर में करना आपको आता है, कैसे करेंगे आप, 2 × 3+1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 3 या 6 और 1 7/2। अब इसको आप समझने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आपने एक एप्पल के 2 पार्ट्स किए, तो इनमें सब में 2 2 पार्ट्स कितने होंगे, इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, हेयर आल्सो 2 पार्ट्स, इसमें भी 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स में से एक है, टोटल देखिए आप गिनिए कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 आपके अगर हाफ हाफ पार्ट करते हैं तो 7 पार्ट्स होते हैं, कब, जब आप एक पूरी चीज के दो दो हिस्से करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 7 पार्ट्स हैं, हाफ हाफ अगर दो हिस्से करते हैं, देखो दो हिस्से ऐसे बनते हैं, 2 पार्ट्स इसमें, 2 पार्ट्स इसमें, और एक 1 पार्ट है, टोटल 7 हो गया, और कब, जब आप एक होल के 2 पार्ट्स करते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, यहाँ पर एक पिक्चर में आपको 1 2 3 4 5 5 होल पिक्चर्स हैं, और जो नेक्स्ट वन है इसके एक पिक्चर के 4 पार्ट्स किए गए हैं, और 4 में से 1 दिखाया गया, तो दिस वन इज कॉल्ड 1/4, 4 में से एक, और ये पूरे होल हैं, कितने होल हैं, 1 2 3 4 5, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 5 है, और ये कितना है 1/4, सो यू विल राइट हियर 5 होल 1/4, आया समझ में, 5 पूरे और एक जो है जो लास्ट वन है उसके 4 पार्ट्स में से एक हिस्सा, तो 5 होल 1/4। अगर आप इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 4 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप, 5 में, और प्लस 1 करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 4 5 20 और 1 21/4 में, इज दैट क्लियर। अब आप यहाँ पर काउंट कीजिए, अगर आपने सबके 4 4 पार्ट किए तो आपके कितने पार्ट होने चाहिए, 4 इसमें, 4 यहाँ पर होंगे पार्ट, प्लस 4 इसके होंगे, प्लस 4 इसके पार्ट होंगे, प्लस 4 इसके, प्लस 4 इसके, और ये 4 की बजाय कितने पार्ट होंगे, 1, ठीक है, क्योंकि 4 हर एक के 4 4 पार्ट किए, तो 4 पार्ट यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो आपके कितने हो गए, 4 1 4 2 8 3 12 4 4 16 4 5 20, और एक ये 21, 21 पार्ट होंगे अगर आप 4 4 हिस्से करते हैं, और होल ये डिनोमिनेटर में क्या आता है, आपने एक होल के कितने हिस्से किए, 4, तब आपके 21/4 हुए। अब आपको दोनों तरीके से समझ में आ रहा है ये पिक्चर क्यों दिखाई गई है, क्या समझाने के लिए। नेक्स्ट अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, सी यहाँ पर आपको कितनी पिक्चर्स दिखाई गई है, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 पिक्चर है, पर यहाँ पर होल कितनी है, पूरी पूरी पिक्चर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पिक्चर कंप्लीट पिक्चर है, तो होल पार्ट आपका हो गया 5, और जो है फ्रैक्शन में कितनी है, फ्रैक्शन में आपके एक पूरी पिक्चर के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए और 3 में से 1 पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड 1/3, 3 में से 1, तो यू विल राइट हियर 1/3,
दिस वन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ये पूरा पूरा पार्ट है, एक दो तीन चार पांच, और जब ऐड करेंगे तो क्या फाइव, फाइव कंप्लीट पार्ट, और उसमें आपके कितने हो गए, फाइव कंप्लीट पार्ट में वन बाई थ्री और जोड़ दीजिए, फाइव होल वन बाई थ्री हो गया। इस तरीके से जब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई फाइव प्लस वन अपॉन थ्री, कितना हो जाएगा, थ्री फाइव या फिफ्टीन और वन सिक्सटीन अपॉन थ्री, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप इसको काउंट कीजिए, अगर हर एक के तीन तीन पार्ट करते हैं तो थ्री पार्ट आपको इसमें मिलेंगे, थ्री पार्ट इसमें मिलेंगे, थ्री इसमें और थ्री ही इसमें और यहाँ वन। अब टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो गए आपके ये, जब आप इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो उसके न्यूमरेटर के इक्वल होंगे, थ्री थ्री सिक्स और थ्री नाइन और थ्री ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन और एक वन सिक्सटीन, और अब कब, जब आप एक पूरी होल के कितने हिस्से किए, थ्री, तो सिक्सटीन हिस्से आपके पास हैं, इसका मतलब ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये पिक्चर आपको समझ में, इस पिक्चर से आपको और अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। नाउ कंप्लीट योर वर्क, यस एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीटली, और डेफिनेशन लर्न करना भी मत भूलिएगा, लर्न भी जरूर करनी है आपको, कॉपी में राइट तो करनी करनी है, लर्न भी करनी है। ओके, थैंक यू।